विश्व के युवाओं के रूप में विख्यात भारत में बड़ी संख्या में युवा शिक्षित और कौशल आधारित शिक्षा से समृद्ध हो रहे हैं। बदलते वैश्विक समीकरण की पृष्ठभूमि में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत में कदम रख रही है। इसी को देखते हुए बीते 7 सालों से फॉर्च्यून फाउंडेशन की ओर से यूथ समिट का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी 25 मार्च से यूथ समिट का आयोजन किया गया है। फोन फाउंडेशन प्राइवेट के अध्यक्ष अनिल सोले की संकल्पना से साकार हुई इस पहल का 8वां वर्ष है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME इंजीनियरिंग कॉलेज प्लेसमेंट एसोसिएशन ECPA और नागपुर नगर निगम की संयुक्त विद्यमान से उद्यमी युवा सभा का आयोजन किया गया। यूथ एम्पावरमेंट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार 25 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हाथों और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में विधायक निवास सिविल लाइन्स नागपुर में किया जाएगा। इस दौरान पूर्व सांसद दत्ता मेघे, लोकमत संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष विजय दर्डा, सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, उद्योगपति सत्यनारायण नुवाल, पूर्व सांसद अजय संचेती, विधायक चंद्रशेखर बावनकुले और AS प्रशांत जादे मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह में समाज के गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। यूथ एम्पावरमेंट शिखर सम्मेलन एक छत के नीचे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों, सेमिनारों, सरकारी निगमों के स्टॉलों और निजी योजनाओं के प्रेरक मार्गदर्शन सहित कई तरह के कार्यक्रम होंगे। 2015 पासून आम्ही युवकांना एम्पॉवर करण्याच्या दृष्टिकोनातून, सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून दरवर्षी यूथ एम्पॉवरमेंट समिट हे आयोजित करीत असतो। यावर्षी हे 8वं वर्ष आहे आणि यावर्षी देखील आम्ही 25, 26, 27 मार्च अशा 3 दिवस यूथ एम्पॉवरमेंट समिटचं आयोजन आपल्या स्थानिक MLA हॉस्टेल परिसर आणि MLA हॉस्टेलमध्ये आयोजित केलेलं आहे। दिनांक 25 तारखेला सकाळी 11 वाजता या यूथ एम्पॉवरमेंट समिटचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते होणार असून माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्र फडणवीस हे या कार्यक्रमाची अध्यक्षता करणार आहे। सगळ्या युवकांना नोकरी देण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा स्वयंरोजगार मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून यूथ एम्पॉवरमेंट समिट दरवर्षी आयोजन होत असतं। या आयोजनामध्ये युवकांना ज्यांना नोकरी पाहिजे आहे अशांना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावं लागतं www.ysnagpur.in याच्यावर जर आपण गेलो तर याचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन होतं। जवळपास यावर्षीच्या आयोजनामध्ये 105 विविध कंपन्या ज्या आहेत या ठिकाणी मुलांचे इंटरव्ह्यू घेऊन आणि त्यांना सिलेक्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी येणार आहेत। मी आपल्या माध्यमातून युवकांना मोठ्या प्रमाणात विनंती करतो की इथे येणाऱ्या कंपन्या ज्या आपल्या आज जिल्ह्यात आलेल्या आहेत त्यांचा उपयोग करून आणि आपलं भवितव्य तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण याचा लाभ घ्यावा। त्याचप्रमाणे विविध बँकांचे स्टॉल्स, मुद्रा बँक, विविध मशिनरीजचे स्टॉल्स त्या ठिकाणी राहणार आहेत, ज्याच्यात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयंरोजगाराच्या दृष्टिकोनातून ज्यांना संधी उपलब्ध करून द्यायची आहे त्या दृष्टिकोनातून देखील त्याची व्यवस्था होणार आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी तज्ज्ञ लोकांचं मार्गदर्शन, काही स्वअनुभव सांगणारे यशस्वी प्रयोग अशा पद्धतीने मार्गदर्शन त्या ठिकाणी होणार आहे। मी आपल्या माध्यमातून सर्व युवकांना विनंती करतो की या आयोजनाचा लाभ आपण घ्यावा आणि 25, 26, 27 मार्चच्या दरम्यान स्थानिक MLA हॉस्टेल परिसरामध्ये येऊन आपल्यामध्ये असलेल्या स्किलचं प्रगतीकरण करत आपण एक चांगला जॉब, चांगली नोकरी आणि स्वयंरोजगारात स्वतः करता एक रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोन शोधण्याच्या दृष्टीकोन आपण निश्चितपणे त्या ठिकाणी यावं असं आवाहन मी करतो। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर।